बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफा मन युतिअल्लाह वरसूलहु फ़क़द रशदा वहतदा वमन यअसिल्लाह वरसूलहु फ़क़द ज़ल्ला वगवा फ़इन्नहु ला यज़ुर्रु इल्ला नफ़सहु वला यज़ुर्रुल्लाह शैय्या। आपको आज एक मरतबा फिर हम अलमिदरार इंस्टीट्यूट की तरफ से लाइव स्ट्रीम में खुश आमदीद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक बहुत तेज़ी से अपनी रहमतें अपनी बरकतें से मिटता जा रहा है। बिलाशुबा रमज़ान एक मुसलमान की ज़िंदगी में नेकियों का मौसम बहार है। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर इंसान एक से एक बढ़ के नेकी करता है, उसको मौके फराहम होते हैं, उसके लिए मौका होता है, दस्तूर होता है और अल्लाह ताला की रहमत अल्लाह ताला की बरकत के दरवाज़े खुले होते हैं और अल्लाह ताला की तरफ से या बागियल खैरी अकबिल फरिश्ते सदाएँ लगा रहे होते हैं, इंसान को बुला रहे होते हैं कि ऐ नेकी के तलबगार, ऐ नेकी का हुसूल करने वाले, या बागियल खैर, ऐ नेकी के मुतलाशी अकबिल, आजा लौटा, वसारिउ फिल खैरात, न सिर्फ नेकी की तरफ आओ बल्कि नेकी के अंदर आगे बढ़ते चले जाओ, दौड़ते चले जाओ, एक से एक दूसरे इंसान से आगे बढ़ते जाओ। वफीदाली कफल जितना फसल मुतनाफिसून, अल्लाह ताला फरमाते हैं नेकी और भलाई के कामों में तो आपको आपस में एक दूसरे के साथ मुकाबला करना चाहिए। तो रमज़ानुल मुबारक के अंदर हमारी सिचुएशन हमारी सूरत हाल ये होनी चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ नेकी के मामलात के अंदर मुकाबला करें, दीन के मामलात के अंदर मुकाबला करें और एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करें। रमज़ान मुबारक में जहाँ दीगर इंसान के लिए बहुत सी नेकियाँ अल्लाह ताला ने रखी हैं, जहाँ पर इंसान रोज़े जैसे मुबारक अमल को सर अंजाम देता है, अल्लाह ताला की कुर्बत इख्तियार करता है, इबादत करता है, रियासत करता है, उसके साथ साथ एक जो सबसे बड़ी नेकी इस माह मुबारक में है और बहुत अफजल नेकी है, वह है अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साल के दीगर माह के अंदर भी अल्लाह ताला की राह में बेदरे खर्च किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के बादशाह भी थे, पूरे के पूरे ख़जाने की कुंजियाँ आपके हाथ में थी, फिर अल्लाह ताला की तरफ से अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाह होती तो अल्लाह ताला पूरी कायनात के ख़जाने आपके कदमों में लाकर ढेर कर देता। आप चाहते तो मदीना के अंदर रहते हुए अपना एक बहुत आलीशान महल बना सकते थे, आप चाहते तो मदीना में रहते हुए अपने लिए माल दौलत के अंबार लगा सकते थे, अपने लिए ख़जाने जमा कर सकते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वतीरा क्या रहा, हमेशा छोटे से घर के अंदर रहे। कई मरतबा ये आलम होता था कि घर में फाका हुआ करता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जैसे ही कोई माल आता, जब तक उसको खर्च ना कर देते, जब तक उसको अल्लाह ताला के रास्ते में मुस्तहिक लोगों तक पहुँचा ना देते, उस वक्त तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोया नहीं करते थे। तो दीगर 11 माह के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि वो अल्लाह ताला के रास्ते में बेदरे खर्च किया करते थे, बे इंतहा खर्च किया करते थे। लेकिन सहाबा फरमाते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत हाल इस तरह हो जाती थी कि आप इस तरह खर्च करते थे जैसे कोई आंधी और तूफ़ान आ गया है, एक तेज़ आंधी और तूफ़ान की तरह अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च किया करते थे। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने के अंदर अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करना, अल्लाह ताला के रास्ते में मुस्तहिक लोगों को, फुकरा, मसाकीन, वफ़ी सबीलिल्लाह व इब्न सबील, उन तमाम लोगों तक उनका हक पहुँचाना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास सुन्नत है, वो ख़ास अमल है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के अंदर किया करते थे। रमज़ानुल मुबारक में दीगर नेकियों का अजर अगर हम देखें तो वो दूसरे आम दिनों के मुकाबले में बढ़ जाता है।
इसलिए हमारे यहाँ मुसलमानों के यहाँ इस बात का मामूल है कि जब ज़कात निकालने की बारी आती है तो उसके लिए जो उन्होंने साल मुकम्मल करने का अंदाज़ा लगाना होता है वो रमज़ान मुबारक से ही लगाते हैं कि इस साल हमने रमज़ान में ज़कात दी और जो हमारे पास माल मौजूद है उस माल का तखमीना लगाने के लिए कि उसके ऊपर हाल अलैहिल हौल एक साल मुकम्मल गुजर गया है तो अगले रमज़ान का इंतज़ार करते हैं और रमज़ान के अंदर ज़कात अदा करते हैं। हालांकि ज़कात के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो रमज़ान के अंदर ही अदा की जाए, लेकिन रमज़ान में ज़कात क्यों अदा की जाती है या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात का अहतमाम क्यों करते थे कि रमज़ान मुबारक के अंदर ही ज़कात अदा की जाए? क्योंकि रमज़ान मुबारक वो माह मुबारक है जिसमें आपको एक नेकी करने का अजर कई गुना ज़्यादा मिलता है। तो गया आप जो ज़कात और जो माल अल्लाह ताला के रस्ते में खर्च कर रहे हैं वो जो आपके ऊपर फ़र्ज़ है वो आप दे ही रहे हैं, सदक़ा जो आप अल्लाह ताला के रस्ते में दे रहे हैं वो तो आप दे ही रहे हैं, लेकिन उसके मद्दे मुकाबिल रमज़ान मुबारक की बरकत और रहमत की वजह से आपके नामा आमाल में अल्लाह ताला की जानिब से कई गुना नेकियाँ इजाफे के साथ लिख दी जाती हैं। अल्लाह ताला के रस्ते में खर्च करने का जो मामला है ये एक एग्रीमेंट है अल्लाह ताला के साथ, इंसान का एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक डील है अल्लाह ताला के साथ जो इंसान इस दुनिया में रहते हुए करता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन अल्लाह हश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना। बेशक अल्लाह ताला की ज़ात ने इश्तरा खरीद लिया है मिनल मुमिनीन मुमिनीन से अनफुसहुम उनकी जानों को व अमवालहुम उनके मालों को। जो माल हमारे पास है इस दुनिया में रहते हुए, ये जो हमारी जान है ये हमारी अपनी नहीं है, ये माल ये बैंक बैलेंस ये गाड़ियाँ ये लंबी चौड़ी जागीरें ये हमारी अपनी ज़ाती नहीं है, इन अल्लाह अश्तरा हमने ये अल्लाह ताला को बेच दी हुई हैं। अब हमारी मालो दौलत का मालिक अल्लाह ताला है। बेअन्न लहुमुल जन्ना बदले में हमने अल्लाह ताला से ख़रीदा क्या है? हमने अल्लाह ताला से जन्नत का हुसूल जन्नत का दाखिला जन्नत को ख़रीद लिया है और अपने जानों मालों को बेच दिया है। अब इस दुनिया के अंदर रहते हुए मैं जितना कुछ भी कमा लूँ जितना कुछ भी हासिल कर लूँ जितने मर्ज़ी बैंक बैलेंस बना लूँ जितनी मर्ज़ी गाड़ियाँ मैं इकट्ठी कर लूँ जितनी मर्ज़ी मैं जागीर बना लूँ जितने मर्ज़ी मैं प्लॉट्स बना लूँ, मैं तो वो सारा कुछ अल्लाह ताला को बेच चुका हुआ हूँ। और मालिक करीम की ज़ात किस कदर करीम है, माल अल्लाह ताला का उसने हमें दिया है और उस माल में से अगर अल्लाह ताला चाहे और इंसान को कहे कि तुमने सारे का सारा माल अल्लाह के राह में खर्च करना है तो वो ज़ुलजलाली वल इकराम है। अल्लाह ताला की ज़ात अगर इंसान को हुक्म दे तो इंसान को करना पड़ेगा, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत अल्लाह ताला की इंसान के साथ करीमी अल्लाह ताला की इंसान के साथ मोहब्बत कि उसमें से भी अल्लाह ताला ने बहुत मामूली सा जुज बहुत मामूली सा हिस्सा कहा है कि वो मेरे रस्ते में खर्च कर दो। और वो जो मामूली सा हिस्सा भी हमने खर्च करना है, आप उस मामले के हुसन को देखिए, वो क्या नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक किसी ख़जाने में जाके जमा हो जाना है और वहाँ उसने पड़े रहना है गल सड़ जाना है, या क्या नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक अल्लाह ताला को हमारे मालों की ज़रूरत है, या क्या नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक अल्लाह ताला को हमारे माल की हैरत है? वो पैसे जो हम अल्लाह ताला के रस्ते में खर्च कर रहे हैं वो अल्टीमेटली वो हमारे लिए ही हैं, वो मुआशरे की तरक्की के लिए मुआशरे की बेहतरी के लिए आपने किसी दूसरे इंसान को देना है जो गरीब है जो फ़कीर है जो मोहताज है, उनकी फ़कीरी को उनकी मोहताजी को दूर करने के लिए देना है ताकि आपका मुआशरा बेहतर हो सके। अगर आपका मुआशरा बेहतर होगा तो उस मुआशरे की बेहतरी की वजह से आपकी ज़ात बेहतर होगी, उसका फ़ायदा भी अल्टीमेटली आपको ही आ रहा है। वकान अली इंसान व अजूल, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान बहुत जल्दबाज है, इंसान की नज़र दूर की नहीं होती, वो लंबी रेस का घोड़ा नहीं होता, वो हमेशा छोटे छोटे स्टेप लेता है और वो छोटे छोटे अहदाफ मुकर्रर करता है और उसकी निगाह भी छोटे चीज़ों के ऊपर होती है। इसलिए इंसान चाहता है कि मैं कोई ऐसी डील करूं कि आज मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूं और कल मुझे फौरी फौरी उसका प्रॉफिट मिल जाए, वो लंबी लंबी इन्वेस्टमेंट नहीं करता। बकाना इंसान अजूला, ये इंसान की फितरत के अंदर है, जल्दबाज है कि बस मैं यहाँ से एक चीज़ खर्च करूँ मुझे उसका फौरी उसका पे बैक मुझे मिलना चाहिए। अल्लाह ताला के रास्ते में जो आप खर्च कर रहे हैं वो एक आपकी लॉन्ग इन्वेस्टमेंट है, उसका जो अजर हमें मरने के बाद जन्नत के अंदर मिलना है अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनूदी की शक्ल में मिलना है वो तो मिलना ही मिलना है, लेकिन उसका पे बैक आपको दुनिया में भी मिलेगा, फौरी नहीं मिलेगा
कोई कैलकुलेटिव पे बैक नहीं है, लेकिन आप उन लोगों से पूछ के देखिए जो लोग अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करते हैं और बेदरेख खर्च करते हैं, उनको इस बात का अंदाज़ा है कि अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करने से माल के अंदर किस तरह से इजाफा होता है। वयरज़ुकु मिन हैसु ला यहतसिब, जहाँ से इंसान का गुमान भी नहीं होता, जहाँ से इंसान सोच भी नहीं सकता, अल्लाह ताला वहाँ वहाँ से उस इंसान के लिए रिज़्क के दरवाजे खोल देते हैं। अल्लाह ताला उसके लिए माल के अंदर इतनी वसअत डाल देते हैं, इतनी बरकत डाल देते हैं। और अल्टीमेटली जो पैसा आप मुआशरे में खर्च कर रहे हैं, उसके ज़रिए से आप अपने माशरे को बेहतर कर रहे हैं, आप लोगों की बाइंग कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। आप तसव्वुर कीजिए, अगर एक माशरे के अंदर लोगों की बाइंग कैपेसिटी ही नहीं है, लोग कोई चीज़ ख़रीद ही नहीं सकते, तो उस माशरे के अंदर जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो दुकानदार है, उसके पास अगर कोई इंसान ख़रीदने के लिए नहीं आ रहा, उसकी कैपेसिटी नहीं है, तो क्या उस इंसान का जो बिज़नेस है, क्या उस इंसान की जो दुकान है वो चल सकती है? तो एक सेहतमंद माशरे के लिए ज़रूरी है जहाँ पर अल्लाह ताला ने आपको माशरे के उस तबके के अंदर रखा है जहाँ पर आप लोगों की ज़रूरियात की चीज़ें बनाते हैं और उनको बेचते हैं और आप एक बिज़नेस करते हैं, वहाँ पर आपको अपना ग्राहक भी चाहिए। तो दोनों चीज़ें जब बैलेंस होंगी तो एक माशरा तरक्की करेगा और माशरे के अंदर सुकून और इत्मीनान होगा। तो अल्टीमेटली आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट के अंदर, किस तरह से अल्लाह ताला के रास्ते में फ़ुकरा मसाकीन को खर्च करें, तो उन्होंने क्या करना है, उन्होंने उस पैसे के ज़रिए से जाके आगे किसी दुकानदार से जाकर उन्होंने दाल ख़रीदनी है, अपने घर का राशन ख़रीदना है, किसी ने कपड़े ख़रीदने हैं, किसी ने उसको और किसी काम के अंदर इस्तेमाल करना है। तो ये पैसे का एक सर्कल है, जब ये सर्कल चलता है तो आपके मुल्क की इकानमी ग्रो करती है, आपका मुआशरा तरक्की करता है। और अगर ये सर्कल रुक जाए तो माशरे के अंदर तरक्की नहीं रुकती, और जैसे जैसे जिस माशरे में आप रह रहे हैं उसके अंदर तरक्की नहीं होगी तो आप उसका असर आपकी ज़ात के ऊपर भी पड़ेगा। इसलिए अल्लाह ताला ने ये निज़ाम और सिस्टम बनाया हुआ है, इसमें इंसान की अपनी ज़ाती भलाई है। और ये जो पैसे का सर्कल है, ये जितना बड़ा सर्कल होगा, जितना फास्ट सर्कल होगा, जितना बड़ा सर्कल होगा, जितनी तेज़ी से चलेगा, उतनी तेज़ी से आपके माशरे के अंदर इकोनॉमी ग्रो करेगी, लोगों के पास खुशहाली होगी। और जितना ये सर्कल स्लो होगा, कहा जाता है कि मईशत का पहिया जो है वो जाम हो गया, जाम हो गया, दैट मीन्स कि आपकी जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स करने वाली है। मईशत का पहिया चल पड़ा है, जितनी तेज़ी से चलेगा उतनी ज़्यादा खुशहाली आपके माशरे में आएगी, और ये जितना सर्कल बड़ा होगा उतनी ज़्यादा खुशहाली होगी। इसी बात का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, कैला यकूलु दौलतम बैनल अगनिया मिनकुम, अल्लाह ताला ये नहीं चाहते कि दौलत या पैसे तुम में से कुछ लोगों के दरमियान, जो तुम में से गनी लोग हैं, अमीर लोग हैं, उन्हीं के दरमियान में रोटेट करती रहे, वो घूमती रहे। अल्लाह ताला चाहते हैं कि ये पैसा, ये माल, ये जिस जिसका हक है वो उस तक पहुँचाया जाए और ये सर्कल बढ़े ताकि इससे माशरे की तरक्की हो। इंसान की फितरत के अंदर एक और चीज़ है, वह है हिरस और लालच। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर इब्ने आदम को अल्लाह ताला सोने की एक वादी दे दें तो वो कभी उस पर राज़ी नहीं होगा, वो कभी खुश नहीं होगा, कभी उस पर कनात नहीं करेगा, बल्कि उसकी कोशिश ये होगी कि मैं एक और सोने की वादी, एक और सोने का जंगल हासिल कर लूँ। चाहे वो नया सोने का जंगल हासिल करने के की फ़िक्र और दौड़ के अंदर और कोशिश के अंदर उसका पिछला जंगल वो तबाह बर्बाद हो जाए, वो उजड़ जाए, वो बियाबान हो जाए, लेकिन उसकी कोशिश और चाहत ही होगी कि मैं अगले जंगल की तरफ चला जाऊँ, मुझे और मिल जाए, और हल में मज़ीद किसी जगह से और आ जाए। पैसे की हिरस और लालच कभी ख़त्म नहीं होती। आप माशरे में जाके देख लीजिए, एक आम इंसान जो सड़क और फुटपाथ पर बैठा है उसको भी लालच है कि मेरे चंद हज़ार रुपये मिल जाएँ, अभी मेरी महाना आमदनी चंद हज़ारों में है, वो कुछ मज़ीद बढ़ जाए। आप उससे ऊपर आएंगे, लोअर मिडिल क्लास लेवल पर जाएंगे, कहेगा मेरी महाना आमदनी महीने की 1 लाख रुपया है, अगर 2 लाख हो जाए तो मेरी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। उससे ऊपर वाली क्लास में चले जाए, उनकी महाना आमदनी, वो कहते हैं कि हमारी महीने की 2 लाख रुपया या कहीं बढ़ के 4-5 लाख रुपया आ जाए ना तो ज़िंदगी में सुकून हो जाए, 2 लाख में सुकून नहीं है। उससे ऊपर चले जाओ, कहिए हमारी महाना आमदनी कम अज़ कम 1 मिलियन में है, अगर 2 मिलियन तक हो जाए तो फिर मज़ा आएगा। उससे ऊपर आप बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बिजनेसमैन की तरफ चले जाए, हर एक का यही गोल होता है कि इस साल हमने इतना कमाया है, इतना परसेंटेज कमाया, अगले साल हमने अपने जो हमारा प्रॉफिट है उसको डबल एक्स करना है।
उसको हमने एक्सेल ग्रोथ देनी है। हर इंसान की ये चाहत होती है, तो हिरस और लालच कभी खत्म नहीं होती। और आप जितना ज्यादा पैसे के पीछे भागते हैं, आपकी वो हिरस और लालच उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, अल्हाकुम अत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। अल्हाकुम फरमाया कि तुम्हें तबाह बर्बाद कर दिया अत्तकासुर, ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की ख्वाहिश ने, ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की दौड़ ने। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, भागते रहे कोशिश करते रहे, एक वक्त आया कि तुम्हारी उम्र का वक्त ख़त्म हो गया और तुम कब्र के अंदर दाखिल हो गए। और कब्र में जब गए और वहाँ पर जाकर देखा, अपनी ज़िंदगी को पीछे मुड़ के देखा, तो पता ये चला कि ज़िंदगी में मैं सारी कोशिश मेहनत तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही करता रहा, मैं पैसा इन्वेस्ट कुछ नहीं कर सका जो कब्र में मेरे लिए काम आएगा, जो हशर में मेरे लिए काम आएगा। अल्लाह सौफ़ा तआलमून, अल्लाह ताला फरमाते हैं अभी तुम अपने मालो दौलत के अंदर, अपने बैंक बैलेंस के अंदर, अपने फार्म हाउसेस के अंदर, अपने फॉरेन ट्रिप्स के अंदर अभी तुम महफ़ हो, अभी तुम्हें समझ नहीं आएगी। अल्लाह सौफ़ा तआलमून, अल्लाह ठहर जाओ ज़रा थोड़ा सा, सौफ़ा तआलमून अन करीब, सौफ़ा का मतलब होता है बस बहुत जल्द, बहुत जल्द। ज़िंदगी कितने साल की है, 60 साल, 70 साल, 80 साल, आखिरकार इसने ख़त्म होना है और मरना है। सौफ़ा तआलमून, बहुत जल्द तुम जान लोगे। सुम्मा कल्ला सौफ़ा तआलमून, अल्लाह ताला ने फरमाया फिर तुम बहुत जल्द जान लोगे। कल्ला लौ तआलमून इल्म अल यकीन लतरौन अल जहीम, अल्लाह ताला फरमाता है अगर तुमने यकीन की आंख से देखा होता, तुमने अल्लाह ताला की ज़ात को देखा होता, तुमने जन्नत जहन्नम को उसके ऊपर तुम्हारा यकीन होता, तो कभी तुम इस तरह की हरकतें ना करते। तो इंसान अपनी दुनिया की ज़िंदगी में भागता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है, हिरस के अंदर, लालच के अंदर कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा माल इकट्ठा कर लूं, लेकिन उसको रुक के पीछे मुड़ के भी देखना है कि क्या मैंने अपनी आने वाली ज़िंदगी के लिए भी कुछ ज़खीरा किया है, उसके लिए भी मैंने कुछ जमा किया है, क्या मैंने अपना सारे का सारा अपनी मेरी मेहनत का फोकस सिर्फ़ और सिर्फ इस दुनिया की आर्जी ज़िंदगी के साथ है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं सूरतुल आला की आखिरी आयात के अंदर फरमाया, बल तुसिरुनल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुम वअबका। तुम आखिरत के मुकाबले में दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह देते हो, वल आखिरतु खैरुम वअबका, और आखिरत इस दुनिया के मुकाबले में बेहतर भी है और हमेशा रहने वाली भी है। आर्जी ज़िंदगी, चंद साल की ज़िंदगी वर्सेस दायमी ज़िंदगी, हमेशा हमेश की ज़िंदगी। आर्जी ज़िंदगी जहाँ पर आपके हाथ में कुछ नहीं है, दायमी ज़िंदगी जहाँ सब कुछ आपके कंट्रोल में है। आर्जी ज़िंदगी जहाँ पर आपको कमाने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। दायमी ज़िंदगी जहाँ पर आपको हासिल करने के लिए कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसके एडवांटेजेस अगर आप देखें तो वो बेइंतहा है, लेकिन हम दुनिया की ज़िंदगी के अंदर उसी को तरजीह देते हैं। वल आखिरत, अल्लाह ताला फरमाते हैं आखिरत की ज़िंदगी खैर वाली भी है, इससे वो अबका और हमेशा रहने वाली भी है। लेकिन इंसान, जैसे हमने पहले कहा, वकान इंसान मौजूदा, इंसान लंबी रेस का घोड़ा नहीं है, वो छोटे छोटे मफादात को देखता है कि बस मुझे, मैं यहाँ से लगाऊं और दुनिया के अंदर ही मुझे उसका सिला मिल जाए। तो आइए इस रमज़ान मुबारक के अंदर जहाँ पर आप अपने दुनियावी बैंक बैलेंस का इजाफा कर रहे हैं, वहाँ पर आप अपना एक बैंक बैलेंस, एक अपना अकाउंट वो भी बनाइए जो आपका ज़्यादा राह आपकी कब्र के अंदर इस्तेमाल होगा, वो ज़्यादा राह जो आपका हशर के अंदर इस्तेमाल होगा, और जिसके ज़रिए से आपको हकीकी निजात मिलेगी, उसके लिए भी कुछ सामान फराहम कीजिए। इसी मामले को अल्लाह ताला ने फरमाया कि मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, फरमाया कौन है जो, अल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह, जो अल्लाह ताला को कर्ज़ देगा, क़र्ज़न हसना, क़र्ज़ हसना, अच्छा कर्ज कौन अल्लाह ताला को देगा। यहाँ पर अल्लाह ताला को कर्ज़ दे दो अपनी छोटी सी ज़िंदगी के अंदर। अगर यहाँ पर अल्लाह ताला को कर्ज़ दिया हुआ है, कल जब मरोगे, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला के सामने पेश होगे, कब्र की ज़िंदगी में पेश होगे, तो वो तुमने अपना कर्ज़ वहाँ पर जाके उसकी अदायगी तुम्हें मिल जाएगी और वहाँ पर तुम्हारे काम आ जाएगी, वहाँ पर तुम्हारा जन्नत के अंदर तुम्हारा घर बन जाएगा, जन्नत के अंदर तुम्हारी जागीर बन जाएगी। तो यहाँ पर आपको अल्लाह ताला को कर्ज़ देना है, यहाँ पर अल्लाह ताला के रास्ते में इन्वेस्ट करना है, और उस इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट आपको कब मिलेगा, वो आपको आपकी अगली ज़िंदगी में मिलेगा।
तो इंसान को सारी की सारी इन्वेस्टमेंट सिर्फ शॉर्ट टर्म इस दुनिया की आर्जी ज़िंदगी के लिए नहीं करनी चाहिए, कुछ इन्वेस्टमेंट उसको अपनी हकीकी ज़िंदगी के लिए भी करनी है। इन्वेस्टमेंट भी करनी है, आप इन्वेस्टमेंट करें। अल्लाह ताला इसको कर्ज़ का नाम भी दिया, मंजल जैसे युकरिज़ुल्लाह, कौन अल्लाह ताला को जो कर्ज़ देगा। और मज़े की बात यह है कि जो आप अल्लाह ताला को कर्ज़ दे रहे हैं वो आप मामूली सा छोटा सा आप कर्ज़ अल्लाह ताला को दे रहे हैं। फयुज़ाइफ़हू, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसको कई गुना बढ़ा चढ़ा के, ये कोई आपकी डेड इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आपने एक जगह पर लगा दी और बस आपके पैसे वहाँ पर सिर्फ जो है ना वो किसी जगह पर आपके पैसे होल्ड हो गए, आपकी इन्वेस्टमेंट होल्ड नहीं होगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं उसको बढ़ा चढ़ा के अज़ाफ़न कसीरा, कई गुना बढ़ा चढ़ा के इंसान को वापस करूँगा। कौन सा ऐसा दुनिया के अंदर ऐसा कोई आपको बैंक मिलेगा, कौन सी ऐसी आपको फाइनेंशियल कंपनी मिलेगी जो कहेगी कि आप हमें कर्ज़ दें और उस कर्ज़ के बदले में हम आपको बढ़ा चढ़ा के कई गुना ज़्यादा उसे वापस करेंगे। अल्लाह ताला की ज़ात को आप कर्ज़ दे रहे हैं और अल्लाह ताला उस कर्ज़ के बदले में आपको क़यामत वाले दिन बढ़ा चढ़ा के नेकियों के वो नेकियां, वो बैंक बैलेंस जो आखिरत का बैंक बैलेंस है, करेंसी है ना हमारे पास दुनिया की करेंसी क्या, पाकिस्तान की करेंसी रुपए के अंदर है, अमेरिका की करेंसी डॉलर्स के अंदर है, अब तो नई डिजिटल करेंसी आ गया बिटकॉइन आ गया, जिसके पास जितनी ज़्यादा करेंसी है उतना ज़्यादा वेल्थी है। तो आखिरत और जन्नत और कब्र की करेंसी क्या है, यहाँ पर हम अपनी करेंसी के अंदर करेंसी शिफ्ट हो रही है, यहाँ पर हम अपनी करेंसी में अल्लाह ताला को कर्ज़ दे रहे हैं और क़यामत वाले दिन हमें जो वहाँ की करेंसी होगी उस करेंसी के अंदर हमें उसका अजर मिलेगा जो हमारी ज़्यादा राह होगा और वहाँ पर हमारी ज़िंदगी में काम आएगा और मेरी वर्थ और मेरी वैल्यू का अंदाज़ा उस करेंसी के थ्रू होगा और वो करेंसी नेकियों की करेंसी है, वो करेंसी अजर की करेंसी है। इस आया मुबारक में अल्लाह ताला फरमाते हैं युक़रिज़ुल्लाह, कौन है जो अल्लाह ताला को कर्ज़ देगा। अब यहाँ पे कर्ज़ से क्या मुराद है, कर्ज़ उन अल्फाज में से है अरबी ज़ुबान में जो किसी दूसरे इंसान को जब आप कर्ज़ देते हो, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। कर्ज़ का अगर हम हकीकी माना देखें जो अरबी लुगत के अंदर इस्तेमाल होता है, उससे मुराद वो चीज़ होती है जो ज़ायद होती है और अगर वो आपसे गुम हो जाए, वो आपसे तलफ हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आप के माल में से ही है, वो आपकी ज़ात से ख़त्म हो गया, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको आपके पास उससे कहीं ज़्यादा है। कर्ज़ का इस्तेमाल उस एक छोटी सी बाइट के ऊपर भी होता है, मिसाल के तौर पे आपके पास एक रोटी है और उस रोटी में से कोई चूहा आया और चूहे ने आके उस रोटी को थोड़ा सा टुक लिया है, उसने में से एक छोटी सी बाइट ले ली है। अब एक छोटी सी बाइट जो उसने ले ली है, उस छोटी सी बाइट से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और अगर आप उसके मुकाबले में जो जहाँ से उसने काटा है उससे ज़ायद काट के फेंक दें तो वो रोटी की सारी आपके पास मौजूद है, वो आपको उससे इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो कर्ज़ भी वही होता है कि एक इंसान के पास एक ऐसी चीज़ है जो वो किसी दूसरे को दे सकता है और देखने की वजह से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी ज़ात के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता और वो उसको नहीं देता, तो ये उस वईद में आ जाता है जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया वयमनाउन अलमाउन अरायत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फज़ालिक अल्लज़ी यद्रुल यतीम वला युहिब्बु वला तअमुल मिस्किन फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीन हुम अन सलातिहिम साउन। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फवैलुन, वैल है, हलाकत है, तबाही है, बर्बादी है, जहन्नम है उन लोगों के लिए, यमनाउन अलमाउन, मुफस्सिरीन ने तफसीर किया वो मना करते हैं अलमाउन आम इस्तेमाल की चीज़ों से। कुछ मुफस्सिरीन ने इसकी तफसीर की अलमाउन से मुराद है आनी जो घर में बर्तन इस्तेमाल होते हैं, हमारे यहाँ जब एक कल्चर का एक हिस्सा है कि बर्तनों को भी कर्ज़ के तौर पे लिया जाता है। कर्ज़ से मुराद क्या है कि आप के हमसाए हैं, वो आए कि जी हमारे घर कुछ मेहमान आए हैं तो अगर आपके पास कुछ इजाफी बर्तन है तो आप हमें दे दें, आपके पास हमने आज घर के अंदर ज़्यादा लोगों का खाना करना है, दावत का एहतमाम करना है तो कुछ अगर बड़ी देज की हैं बड़े कोई बर्तन आपके पास इजाफी हैं तो दे दें हमें, या और कोई छोटी मोटी मामूली चीज़ इस्तेमाल की, ओवरऑल दोस्त आपस में एक दूसरे से कहते हैं कि अगर आपके पास बाइक है तो बाइक इस्तेमाल के लिए मांग लेते हैं और इस तरह की चीज़ें मांग लेते हैं। तो जो मामूली चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ जिसके दे देने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और अगर आप नहीं देते, फरमाए वयम नाउन अलमाउन, ये वो लोग हैं जो आम मामूली चीज़ों दूसरे लोगों को देने से मना करते थे, आज इनके लिए हलाकत है, तबाही है, बर्बादी है। तो दूसरों को कर्ज़ देना
एक तो कर्ज वह है जो आपने अल्लाह ताला के साथ आपका कर्ज का मामला मंजल यक़रिज़ुल्लाह कर्ज़न हसना, और वो कर्ज है जो आप यहाँ इस दुनिया में रहते हुए अल्लाह ताला के रिश्ते में खर्च करेंगे। और दूसरा कर्ज वो है जो आपका इस दुनिया में रहते हुए दीगर दूसरे इंसानों के साथ है, जो आपने इंसानों के साथ मामला करना है। हदीस में आता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान एक चीज़ को दो दफ़ा कर्ज के तौर पे दे देता है, अल्लाह ताला एक मरतबा उसको अल्लाह ताला की राह में सदका करने का अजर उस इंसान के नामे अमाल में लिख देता है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक बाइक है, आपका एक दोस्त आया, उसने कहा कि मुझे बाइक इस्तेमाल के लिए चाहिए, तो आप दे दीजिए। वह आपसे कर्जन बाइक लेके जाता है, इस्तेमाल करके आपको वापस कर देता है। फिर वही दोबारा आ जाता है या कोई और दोस्त आ जाता है, वो आपकी बाइक लेके चला जाता है और वो वापस आ जाता है, आपने उसको इस्तेमाल करने के लिए दे दी। अब वो एक बाइक आपने दो दफ़ा कर्ज के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए दी, अल्लाह ताला आपके नामे अमाल में एक बाइक अल्लाह ताला के रास्ते में सदका करने का अजर लिख देते हैं। وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رستے میں خرچ کرو, وَلَا تُهْلِكُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ انفاق کیا ہے؟ انفاق کا مطلب ہے خرچ کرنا۔ تو خرچ کرنا کیا صرف اور صرف مالی صورت کے اندر ہی ہے کہ آپ مالی صورت میں ہی خرچ کر رہے ہیں؟ ایک صورت اس کی مال ہے جو پیسہ آپ خرچ کر رہے ہیں, लेकिन उसकी कई सूरतें वो हैं जो आप बगैर पैसे से भी अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने आपको कोई सलाहियत दी है, अल्लाह ताला ने आपको कोई स्किल दी है, और आप उस स्किल के ज़रिए से फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह ताला के रास्ते में कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिससे लोगों की भलाई होगी, और उस लोगों की भलाई के ज़रिए से आप अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं, तो वो आप अपनी स्किल अगर अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च कर रहे हैं तो ये भी अल्लाह ताला के रास्ते में इन्फाक के ज़ुमरे में आता है। आप अपना टाइम दे रहे हैं, आप अपना टाइम खर्च कर रहे हैं, आप और कुछ खर्च नहीं कर रहे, आप किसी दूसरे मुसलमान भाई को देख के आप मुस्कुरा देते हैं, और वो आप रसूलुल्लाह ने फरमाया कि आपका मुस्कुराना और उस मुस्कुराने की वजह से उसके ऊपर उसका रिलैक्स हो जाना, उसके चेहरे के ऊपर खुशी आ जाना, कुछ चंद सेकंड्स के लिए आपने एक बहुत आप समझे कि मेटाफिजिकली उसके दिमाग में नफसियाती तौर पर आपने एक मामूली सा एक हल्का सा पिंच खुशी का उसकी ज़ात के अंदर आपने डाल दिया, फरमाया वो भी सदका है, वो भी इन्फाक है। अगर आप अपने बच्चों के सही तरह से हकूक अदा कर रहे हैं, आप अपने बीवी बच्चों के ऊपर अगर आप खर्च कर रहे हैं तो वो भी इन्फाक है। अगर आप माशरे के लोगों को उनका हक दे रहे हैं, दूसरे इंसान के साथ आप अच्छी तमीज़ के साथ बात कर रहे हैं, तो ये भी आप अल्लाह ताला के रास्ते में इन्फाक कर रहे हैं। वह अनफिकू फी सबीलिल्लाह वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तअल्लुका, अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करो, और खर्च करने की सबसे आला सूरत जो है वो है पैसे के ज़रिए से खर्च करना। और उस पैसे को जो खर्च कर रहे हैं उसकी भी दो सूरतें हैं, एक सूरत है ज़कात जो फ़र्ज़ अल्लाह ताला ने की है, और दूसरी सूरत है सदका जो नफली खर्च करना है, वो सदकात जो आप अल्लाह ताला के रास्ते में देते हैं। तो हर तरह से अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च कीजिए, इन्फाक कीजिए। रमज़ान मुबारक का महीना, ये बाबरकत महीना, ये रहमतों वाला महीना, ये सादतों वाला महीना, इस महीने में जितना ज़्यादा खर्च कर सकते हैं अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च कीजिए, जितना ज़्यादा आप अल्लाह ताला को कर्ज दे सकते हैं आप अल्लाह ताला को कर्ज दीजिए। मरने के बाद जो असल मेरा सरमाया होगा, जो मेरे काम आएगा, जिसके ज़रिए से वहाँ पर मेरे मुकाम का तय होगा, जहाँ पर मेरी वैल्यू वर्थ का अंदाज़ा लगाया जाएगा, वो उसी के ज़रिए से लगाया जाएगा जो आज मैं अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च कर रहा हूँ, जो आज मैं अपनी आखिरत की तैयारी के लिए आगे भेज रहा हूँ, जो आज मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस माह मुबारक के अंदर हमें जिस कदर ज़्यादा हो सके अल्लाह ताला अपने रास्ते में खर्च करने की तौफीक अता फरमाए, और जो हम अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करें अल्लाह ताला उसको कबूल कर ले, उसके अंदर इखलास भर दे। जैसे कि हमने पहले एक अपने सेशन के अंदर बात की थी, और इखलास के ऊपर हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन की थी कि जब तक इखलास नहीं होगा उस वक्त तक आपका अमल काबिल कबूल नहीं होता, और क़यामत वाले दिन वो लोग जिनके ज़रिए से
जहन्नम की आग का शोला जलेगा, वो सबसे पहले लोग जो जहन्नम की आग में डलेंगे उनमें से एक वो इंसान होगा जो अल्लाह ताला के रास्ते में बहुत ज़्यादा खर्च करता था, लेकिन वो खर्च किस लिए करता था, ताकि पब्लिक में लोगों में हाँ लोगों के यहाँ उसका नाम बन जाए कि यार फला बंदा अल्लाह ताला के रास्ते में बहुत खर्च करने वाला है। बहुत से लोग अपनी फेस वैल्यू को बढ़ाने के लिए भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। आजकल तो बहुत से लोग टैक्स से बचने के लिए भी अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करते हैं कि जी आप फला चैरिटी को चला रहे हैं तो डैट मीन्स आपको टैक्स के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाएगी। नीयत की बात है, इखलास की बात है। खुदारा अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए खर्च कीजिए, अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए खर्च कीजिए। आप उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत खर्च कीजिए। आप अपने जहन में ये सोचिए कि मेरा अल्लाह ताला के साथ मैं एक तजारत कर रहा हूँ, मैं अल्लाह ताला के साथ एक मुआहदा कर रहा हूँ, एक बै कर रहा हूँ। आज मैं खर्च कर रहा हूँ, इसके बदले में अल्लाह ताला मुझे दुनिया में भी इसका बदला देंगे और आखिरत के अंदर तो जो इसका बदला अल्लाह ताला ने देना है वो तो देना ही देना है, और वो कई गुना बढ़ा कर देना है, इतना ज़्यादा देना है जो इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं होना। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने रस्ते के अंदर खर्च करने की तौफीक अता फरमाए और इखलास के साथ खर्च करने की तौफीक अता फरमाए, और इस तरह से हम अल्लाह ताला के रस्ते में खर्च करें कि वो हमारे लिए तोशा बन जाए इस दुनिया के अंदर भी और आखरत के अंदर भी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।